अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे बायो प्लास्टिक नंबर 10 होम्योपैथिक मेडिसिन की अहमियत और फजीलत पर। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो मैं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर अब्दुलवाहिद आपको अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हर जानदार मखलूक की गजा सबसे पहले गले के ज़रिए जिस्म में दाखिल होती है। अगर किसी मर्ज से ये मुतासिर हो जाए तो मरगूब तरीन गजा भी तकलीफ़ का बायस बन जाती है। गले की आम तकलीफ जिनमें सोजश हलक, गले का वर्म खन्नाक, गले का दर्द खराश, टॉन्सिल्स का बढ़ जाना, गले की सूजन की वजह से बुखार, आवाज़ का बैठ जाना, टॉन्सिल्स के बढ़ जाने की वजह से कद का छोटा रह जाना, हलक के गदूदों की सूजन के बायस गज़ा का निकलना दुश्वार हो जाए, हलक खुश्क और बहुत दुखता हो, मरीज़ बार बार निकलने की कोशिश करता हो या हलक में बलगम जमा रहता हो, तो बायो प्लास्टिक नंबर 10 एक आजमूदा और मुकम्मल इलाज है। बायोप्लास्टिन नंबर 10 तकलीफ हलक के लिए एक इंतहाई आला दवा है जो हलक के इमराज में अक्सर का दर्जा रखती है। वीवर्स, इस मेडिसिन के 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम बालग हजरात के लिए हैं और बच्चों के लिए 2-2 गोलियां सुबह दोपहर शाम खाने के बाद पानी के साथ लेनी चाहिए। वीवर्स, खट्टी अशिया और सर्द मशरूबात मुज़र हैं। नमक मिले नीम गर्म पानी के गरारे बहुत ही मुफीद हैं। व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो बायो प्लास्टिक नंबर 10 होम्योपैथिक मेडिसिन की अहमियत और अफादियत पर। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो नई वीडियो लेकर ज़रूर हाज़िर होते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।